सो गाइज वेलकम बैक. एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है और मेरे जो भी दोस्त वेट कर रहे होते हैं लाइव आने के लिए, जिनको मैं स्टैंड बाय पे रखा होता है कि बस दो मिनट एक मिनट, और वो बेचारे मुझे रिक्वेस्ट भेज भेज के वापस चले जाते हैं बिकॉज इंस्टाग्राम में कोई मसला है. उस्मान आई एम सॉरी अगर मैंने आपकी रिक्वेस्ट मिस की है, लेकिन सीरियसली मुझे यहाँ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट नहीं आ रही है क्योंकि लोग इतने ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं एंड आई मिस सम रिक्वेस्ट. आई थिंक आई एम अनएबल टू सी यू अभी भी. See, I have 600 requests. अब मैं इधर खावर Instagram makes it very difficult for me sometimes. और उस्मान आई एम अनएबल टू सी यू. येस नाउ आई कैन फाइनली फाइंड हिम इंशाल्लाह. उस्मान वी आर वेटिंग फॉर उस्मान मुख्तार गाइज. मैंने अभी आपको इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन एक दिया था पिछली लाइफ में. हेलो हाय हाउ आर यू डूइंग. गुड आई एम सो सॉरी आई केप्ट यू यू नो वेटिंग थोड़ा सा. नो नो इट्स परफेक्टली फाइन. आई वाज जस्ट वंडरिंग के पता नहीं आपको रिक्वेस्ट मिली है कि नहीं मिली है. ये पहले लिखा रहा था अनएबल टू ज्वाइन, लेकिन उसके बाद फिर रिक्वेस्ट जा ही नहीं रही थी एंड आई वाज अनएबल टू सी यू अमंग यू नो सो मेनी पीपल बिकॉज़ 900 रिक्वेस्ट में से मैं कहां ढूंढूं. I actually went off and then I kind of came back again on the live and then I sent you a request again. Exactly. Hajra ke saath bhi aise hi hua tha. When I did the live session with Hajra, to mujhe bhi wo band karna pada, dobara se live aana pada. Anyways, how are you? I'm good. How are you doing? I'm good. Bilkul theek thaak. Islamabad ka mausam kaisa hai? Islamabad ka mausam bahut acha hai. I think it's the one of the best springs that we've seen. दिस ईयर क्योंकि ज्यादा रश नहीं है बाहर, तो वो ज्यादा पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन कम हुई हुई है, तो यू कैन सी द स्काई, यू कैन सी द मागला हिल्स और बहुत बहुत खूबसूरत हुआ है बाहर. बहुत खूबसूरत है. कराची में तो गर्मी शुरू हुई है बट स्टिल कराची में इतनी ज्यादा अच्छी हवा चलती है सो बैलेंस हो जाता है. सो व्हाट इज योर रूटीन दीस डेज, बताएं मुझे क्या कर रहे हैं घर में हैं. I have absolutely no routine. I'm up till like 4 or 5 gaming with friends online and then I sleep and then I wake up. Are you playing that one game, PUBG? No. I'm playing honey, it's similar. We're playing Red Dead Redemption 2 online. So because my brothers are crazy about PUBG. Wo har waqt sirf kaano mein and feeling like they are always talking to their friends and playing games. So that's all that we're doing these days. Kyunki kuch aur karne ko nahi hai, samajh nahi aa rahi ki kya kare. There's not much you can do in a lockdown. So bas dua kare. Okay, aur abhi hame pata chala hai ki lockdown 2 weeks ke liye extend kiya hai. So what are your thoughts is bare mein? I think it's very good. I think lockdown to hona chahiye aur lockdown ek wahid cheez hai jo corona se thode hamare numbers kam rakh sakta hai. लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही. मैं जब भी कभी जॉगिंग के लिए भी बाहर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ इतने अभी भी लोग सीरियसली नहीं ले रहे. अभी भी ट्रैफिक है, अभी भी इशारों पे गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, विच इज मतलब इट्स नॉट. अब लोगों ये चीज तो हमें बड़े इलाकों में देखने के लिए मिल रही है ना, जो बड़े एरियाज है वहां पर ही गाड़ियां हैं, वहां पर लोगों को रश है. तो छोटे जो एरियाज हैं कराची के और पाकिस्तान के, तो उसमें तो पता नहीं क्या हाल होगा एंड हमें पता भी नहीं है. हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा. अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को मैंने एक वो देखी थी, किसी ने एक लिखा हुआ था, पोस्ट लिखी हुई थी कि इस मुल्क को अगर कोरोना ने नहीं मारा तो जहालत मार लेगी. Exactly. तो वो एक बहुत सच बात है क्योंकि हम लोगों को अब आपको बता सकते हैं
जब आपको मतलब इंजेक्ट तो नहीं कर सकते कोरोना से, कि आपको समझ आए कि ये कितना खतरनाक है, आपको प्रिकॉशन लेने के लिए बता सकते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलें, आप अपने हाथ धोएं, आप किसी के साथ ना मिलें, आप और मुझे ये लग रहा है कि लोग चीजें बेवकूफ नहीं है, लोगों को ये बात समझ आ रही है कि उनको सामने वाला क्या बता रहा है और आपके हाथ में अब कि आपको अपनी केयर करनी है कि आपको नहीं करनी। लोगों को समझा समझा के, इतने बड़े लोग हैं, कोई बच्चे नहीं है, छोटे बच्चे बच्चों को समझ आ रही है, बड़े लोगों को समझ नहीं आ रही। उनको ये भी नहीं समझ आती कि ये उनके लिए खतरनाक है। उनको ये लगता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं होगा, हम ठीक रहेंगे। और ये चीज जो है ना, ये आई थिंक इनको लोगों को अफेक्ट करेगी आई गेस। अब मैं तो यही कह कह के थक गया हूँ अपने पेज पे। मैंने वीडियोस भी लगाई हैं, मैंने रिसर्च स्टडी भी लगाई है, मैंने बहुत कुछ लगाया है, लेकिन अभी भी मैं हैरान हूँ कि लोगों को समझ नहीं आ रही इस बात की। चलिए, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि लोगों को थोड़ा थोड़ा या समझाने की बाकी लोगों के ऊपर है। आप मुझे बताएं कि आपने इस कितने देर से आप क्वारंटीन में हैं? मैं मुझे लगता है तीन तीन 4 हफ्ते हो गए हैं। तो आपने क्या किया 4 हफ्तों में? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ गेम खेला होगा। यू मस्ट हैव डन समथिंग, कुछ आई कुछ हैव बिंज ऐसा। वॉच्ड हाफ ऑफ नेटफ्लिक्स। मैंने हर सीरीज खत्म कर ली जो मैंने नहीं देखी थी कितने अरसे से, वो भी खत्म कर ली है। मैं दुनिया जहान की चॉकलेट्स खा चुका हूँ, और मुझे अब पहली दफा जिंदगी में दाने निकलना शुरू हो गए हैं, बिकॉज़ आई हैव हैड सो मेनी चॉकलेट्स। और आप तो तो अभी मैं तो आपने इतना वेट कम किया, आपको तो चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं खानी चाहिए बैठ के। क्या कर रहे हैं आपने आपको बंदा फिट क्या रखने के करे, लिए, खाने पीने के साथ साथ? फिट रखने के लिए कुछ भी नहीं करा। आई एक्चुअली स्टॉप गोइंग टू द जिम फॉर 3 वीक्स। आई स्टार्टेड 3 डेज अगो अगेन। घर तो पे आई से डोंट नो। यू डूइंग वर्कआउट फ्रॉम होम? या घर पे आई एम डू ओके। गो आउट फॉर साइकिलिंग, या फिर आई या जस्ट आजकल मैं वर्क काफी आउट। लोगों को देख रही हूँ, सबको क्रेज है कि सब साइकिल्स लेके निकले हुए बाहर, एंड इट्स अ गुड थिंग। मुझे साइकिल चलाना नहीं आती, वाकई कभी बाकी मुझे नहीं भी नहीं आती। सीखी साइकिल? तीन बोलो, तीन सीखी पहिए पीछे लगे हो तो यार, मैं 4 पहियों वाली चला सकती हूँ, जो दो होते हैं उसके पीछे दो छोटे होते हैं ना, वो वाली मैं चला सकती हूँ, लेकिन दो वाली में बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता वाह, है। बचपन में मुझे तो चलाई है, लेकिन बड़े होकर कभी मौका नहीं मिला मुझे साइकिल चलाने का। और आपको पता है इट्स कराची में इतना ट्रैफिक होता है, वो माहौल नहीं है कि आप साइकिल चला सके, और हाँ, लेकिन टाइम भी नहीं अभी मिलता। तो अभी तो बहुत अच्छा, अभी बहुत अच्छा मौका है साइकिलिंग के लिए कराची में। मैं दिन में थोड़ी उठ रही हूँ, मैं तो उठ शाम में रही हूँ, शाम खत्म हो रही होती है जब मैं उठ रही हूँ सो के, बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू। हाँ, लेकिन शाम में भी बंदा ट्राई कर सकता है, बिकॉज़ आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, नो, बट आई दिस एम इज वर्किंग द आउट। मैं कभी लॉकडाउन के बगैर वर्कआउट नहीं किया इतनी मतलब इतनी रेगुलरली, बिल्कुल रूटीन के साथ। सो इट वाज माय सिक्स्थ सेशन ऑफ अ वीक टुडे, सो मेरे लिए अच्छा जा रहा है। सो व्हाट आर यू नाइस। रीडिंग दीज डेज? बिकॉज मैं आपकी इंस्टाग्राम पे देखती रहती हूँ, आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, कभी पढ़ रहे होते हैं कभी। मैं आजकल तो आई जस्ट स्टार्टेड दिस बुक कॉल्ड सेपियंस। आई एम रीडिंग दैट। आई डोंट रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, आई रीड अ लॉट ऑफ कॉमिक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स एंड स्टफ, बट सेपियंस इज अ गुड बुक, तो मैं वो पढ़ रहा हूँ। उसके अलावा आई रीड आई मीन आई स्टार्टेड रीडिंग दिस ग्राफिक नॉवल गॉड अमेरिकन एलियन, वो मैं पढ़ रहा हूँ। दीज आर द टू थिंग्स आई एम काइंड ऑफ रीडिंग दीज डेज। ओके। सो मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन से पहले और ये सारा कुछ अभी जो चल रहा है, उससे पहले आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे? अभी सबात में हम आपका देख रहे हैं, मैंने टीजर्स जी वगैरह देखे सबात के, और आप मुझे बताएं कि आप इससे पहले कौन सा प्रोजेक्ट करे थे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें मेरे साथ हुआ, बिकॉज मैं तो बिल्कुल प्रोजेक्ट आधा छोड़ के आई हूँ बीच में, और अब मुझे नहीं पता कि वो कब दोबारा से कंटिन्यू होगा। बिल्कुल। सो क्या सीन है, आप क्या कर रहे थे? हम लोग आई वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन अ फिल्म, और हम लोगों की शूट शुरू होनी थी 5th को ऑफ दिस मंथ। 5th अप्रैल को शूट शुरू होनी थी, बट वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द कोरोना लॉकडाउन वो शूट अब पोस्टपोन हो गया। आई डोंट नो, जब सिचुएशन ठीक होगी तब होगी मेरे ख्याल। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है उन लोगों को है जो प्रोजेक्ट्स दरमियान में छोड़ के गए हैं, बिकॉज वो कंटिन्यूटी का हाँ, बहुत इशू आएगा आई गेस। कंटिन्यू का बहुत, उसमें हम पता चले मोटे होके आ रहे हो ड्रामे में। हाँ, क्योंकि क्वारंटीन में बंदा करे क्या। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला यही है, वेट सबसे मेरी ज्यादा। जिंदगी का भी सबसे बड़ा मसला यही है।
मुझे बहुत ज्यादा मतलब कुछ ना भी खाओ ना तो वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ क्या मैं तो सूंघता हूँ चावल तो मुझे 10 kg बढ़ जाता है। अम्मी कैसी है उस्मान आपकी? वो बिल्कुल ठीक है आजकल, बस उनको थोड़ा सा रोकना मुश्किल हुआ हुआ है घर से बाहर मम्मा जाना। अम्मी को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है ना, उनको अपनी बहनी भी बहुत याद आती आजकल होगी। हाँ आजकल मसला ये है कि आजकल कभी जिंदगी में इतनी जिद नहीं की कि मैंने बाहर जाना है या मैंने मतलब पहले आप उनको कहते थे वॉक करें तो कहते थे नहीं मेरी तबीयत नहीं ठीक मैं ही करी हूँ। अब उनको खुद ब खुद ही वो आ जाता है याद कि मैंने वॉक करनी है, तो मुझे नहीं समझ आती कि मैं ये आंटी से क्यों है बस। पूछूंगी कि आंटी आपको क्या सोच के याद आता है हाँ वॉक का, मुझे बताएं ताकि मैं अपनी मम्मा के जहन में डालूं। मम्मा देखिए आंटी ये सोच के सोच लेती है वॉक करने का, आप तो बस उनको सोचती ही वो उनको तो नहीं वो भी नहीं सोचती, वो तो बहुत भागती है वॉक से। ये पता नहीं ये उनको है कि जो चीज नहीं। नहीं होनी होती ना वो उन्होंने करनी होती है। आई डोंट नो वो उनको शौक है इस चीज का तो। अच्छा हाँ अच्छा मुझे ये बताएं आपका इंस्टाग्राम यूजर नेम, क्योंकि अक्सर लोग जैसे मैं, मेरा तो सिंपल सा है, मैं नाना सान ऑफिशियल, आपने मुख्तार हूँ मैं क्या सोच के अपना यूजर इंस्टा यूजर नेम बनाया था? प्लीज टेल मी अबाउट इट, बिकॉज मुझे इतना अच्छा लगता है लोगों के डिफरेंट डिफरेंट यूजर नेम और स्टोरी बताएं इसके पीछे। मेरा एक्चुअली मैंने जब इंस्टाग्राम बनाया था ये तो 12 Boda 11 था मेरा इंस्टाग्राम का नाम, और वो मेरा गेमिंग नेम होता था जब हम बचपन में गेमिंग करते थे जाके इंटरनेट गेमिंग कैफेज में। अच्छा वो मैंने ये रख लिया तो एक दे केम अ पॉइंट कि मैंने अपनी पहली फिल्म जब की थी जनान तो मुझे दो तीन लोगों ने बोला, उन्होंने कहा यार तुम्हारा 12 Boda नाम है लोगों को समझ नहीं आता, दे डोंट नो कि वो फॉलो किसको करें जाके। तो फॉलो किसको करें एग्जैक्टली? मैंने कहा कि मैं फिर क्या करूं, तो उन्होंने कहा नाम चेंज कर लो। मैंने कहा मैं नाम उस्मान मुख्तार मैंने ढूंढा तो मुझे नहीं मिला, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं थोड़ा क्रिएटिवली कुछ सोच लेता हूँ। अब मुख्तार मेरा सर नेम है, मेरे दादा का नाम है, तो फिर मैंने और मुख्तार खुद मुख्तार होना भी, तो मैंने फिर उसके बाद मुख्तार हूँ लेकिन मैं। फैंस देखें आपको ढूंढ लेते हैं, आप जहां हो जैसे नाम से हो लोग आप तक पहुंच जाते हैं। हाँ मतलब अब ठीक है ये उनकी जी, प्यार बड़ी मेहरबानी है कि वो ढूंढ लेते हैं इतना टाइम। करते हैं यार आपसे। हाँ अच्छा तो थैंक यू। मैं ना आपसे जल्दी जल्दी 10 questions करूंगी, ठीक है? और आपने उनका मुझे जवाब देना है, ठीक है? मैं ठीक है हर किसी को जिससे भी मैं लाइव होती हूँ तो मैं उनसे जरा अच्छे अच्छे सवाल करती हूँ, कुछ फनी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डिटेल डन सवाल हैं जिसके बारे में मैं आपसे सवाल करूंगी, आप मुझे जवाब देंगे, ठीक है? डन पहला डन डन डन। सवाल, आपका एक्सपीरियंस बताएं फिल्म में काम करने के बाद ड्रामे में। आपने फिल्म पहले की थी ना, फिर आपने जी ड्रामा किया, सो जी आपको जी क्या डिफरेंस लगा दोनों में? बिकॉज मेरे मेरे हिसाब से ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बहुत ज्यादा फर्क है, प्रोडक्शन बिल्कुल में, हर चीज में, टाइमिंग्स में। उसने आपको शुरू आपको स्पॉइल किया होगा फिल्म ने थोड़ा सा, और ड्रामे में आके आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को। एक्चुअली मुझे फिल्म जब मैंने की थी तो मेरा जो मैंने जब जनान की थी तो आई मीन इट्स जस्ट बिगर स्केल, हर चीज का स्केल थोड़ा बड़ा होता है, या प्रोडक्शन आपकी बड़ी होती है, योर शूटिंग और बड़े स्पेसिफिक होते हैं, मतलब आपका आपकी आर्ट डायरेक्शन है, आपके आपकी प्रोडक्शन डिजाइन टीम है, आपका जो है कॉस्ट्यूम पे बड़ा काम हो रहा होता है फिल्म में, ये आपके सेट्स लग रहे होते हैं, आपका कैमरा बहुत बेहतर होता है, टेक्निकल इक्विपमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उस तरीके से फिल्म इज बिगर, ठीक है। लेकिन फिल्म में ये है क्योंकि आपकी पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो बहुत अभी फिल्म की इतनी बड़ी नहीं हुई है, तो आप काफी टाइम अगर फिल्म पे लगाते हैं तो उसका वो आउटकम नहीं आता, वो उतनी रीच नहीं है फिल्म की, वो इतने लोगों को पहुंचती नहीं है फिल्म, लोग देख नहीं पाते, तो उस तरी वो एक ड्रॉबैक है फिल्म का। ड्रामा में सरप्राइजिंगली मुझे ज्यादा मजा आया था, हालांकि मैं ड्रामा से भागता था, मैं बहुत भागता था, मैं कहता था मैं ड्रामे नहीं करूंगा, और मैंने जब अना किया आई डोंट नो ये टीम की वजह से था या क्या था, मुझे ड्रामे में बहुत ज्यादा मजा आया, मुझे फिल्म से ज्यादा मजा आया ड्रामे में। अना वॉज अ बिग हिट आपका, माशाल्लाह बहुत ज्यादा, जी मतलब यू नो आपका और नेमल अल्हम्दुलिल्लाह का कपल बहुत ज्यादा हिट। आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट इट एज वेल आगे, जी। सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय सेकंड, यू लाइक ड्रामास मोर, ठीक है? तो ये मेरे सवाल का जवाब नाउ था। आई स्टार्टेड टू जी ओके नाउ नाउ या अभी आप दोबारा से मूवी करने जा रहे हैं तो फिर आप दोबारा से, मतलब ये अच्छा है, बैलेंस होना चाहिए, एक मूवी एक ड्रामा, हाँ, एक और मूवी मैंने एक ड्रामा। बहुत नहीं लेकिन मैंने बहुत अरसे बाद मूवी कर रहा हूँ मैं, मतलब मैंने 2-3 साल में मूवी नहीं की,
तो दिस इज आफ्टर 3 इयर्स आई वाज अबाउट टू डू अ फिल्म बट आपकी वो मूवी अब आपकी डेब्यू थी ना? जी जनान वाज माय डेब्यू फॉर द कमर्शियल. मुझे यही आपसे पूछना था कि कैसे, मतलब मूवी अचानक से, क्या स्टोरी है इसके पीछे, कैसे आपने किया, मतलब और फिर आते ही आपने इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट किया, माशाल्लाह आप इतना हिट हुए, आपको हर कोई यहाँ नीचे आपको कमेंट्स में यही लिख रहा है, अल्तमश अल्तमश अल्तमश। मैं जब मैंने मूवी जो की थी वो एक्चुअली बिकॉज ऑल ऑफ अस हमने सबने थिएटर इकट्ठे किया है, तो वो थिएटर अंडरग्राउंड थिएटर सीन में थोड़ी रेपुटेशन होती है कि यार ये अच्छा एक्टर है, ये अच्छा एक्टर है, ये सही है, ये वो है. तो वो मुझे प्रोड्यूसर्स ने बोला कि यू नो हम एक फिल्म बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप उसमें एक्टिंग करें. तो मैंने कहा कि ठीक है. उस तरीके से वो फिल्म और जो जनान थी उसमें मैं आई वॉज इन द लीड, आई वॉज अ गेस्ट अपेयरेंस. फिर भी ना एक मूवी में आपका डेब्यू था, लोगों ने आपको पहली बार मूवी में देखा, आपने बिल्कुल खुद अपने आप को स्क्रीन में एक्टिंग करते हुए पहली बार देखा, आई थिंक हाँ, इससे पहले मुझे आपने की थी क्या? हमेशा से मैंने नहीं की थी. और ड्रामा ड्रामा जो था वो मैंने किया जब मेरे ख्याल से हम पीपल, मुझे बहुत अरसे से ड्रामास ऑफर हो रहे थे. मेरे ख्याल से 2009 से मुझे ड्रामास की ऑफर आ रही थी. मुझे एक एक बहुत पुराना ड्रामा था, पता नहीं उसका नाम भी मुझे भूल गया, उसमें फैसल कुरैशी भी थे और यो. तो वो पहली मुझे ऑफर आई थी ड्रामा की, 2009-2010 की बात है. वो कोई सीजन 2 था या पता नहीं क्या था. तो मैंने कहा जी कि मैं नहीं, मैं ड्रामास नहीं करता, मुझे थोड़ी वो है. हालांकि मैं बचपन में अल्फा ब्रावो चार्ली और एनक वाला जिन वर माय फेवरेट ड्रामास, तो बस वो. लेकिन बाद में जाके कुछ ड्रामास थोड़े से हमारे वो हो गए, तो मैंने कहा मैं ड्रामास नहीं करूंगा. तो मैं 8-9 साल मैंने ड्रामास नहीं किए. फिर मैंने रियलाइज किया कि ड्रामास की मार्केट है, फिल्म की मार्केट नहीं है. तो फिर मुझे 2-3 ड्रामास, और मैं उस वक्त मैं बहुत कॉमेडी कर चुका था, तो मुझे ये भी सुनने में आ रहा था कि कॉमेडियन है ये सीरियस नहीं कर सकता. तो फिर जब ये होता अना है। आया तो हाँ, तो फिर जब अना का स्क्रिप्ट आया जिसका नाम पहले कायनात था, तो मैंने वो पढ़ा और मैं बहुत कंफ्यूज हो गया. मैंने कहा ये रोल सीरियस है, बट ये जो लड़का है ये मुझे विलन टाइप लगता है. तो एक्चुअली नेमल एंड मी आर फ्रेंड्स, हम लोग पहले से दोस्त हैं. तो मैं नेमल में कहा कि हाउ कूल, वी बोथ गोइंग टू बी इन अ ड्रामा. उस वक्त नेमल वाज नॉट सपोज्ड टू बी इजा, नेमल वाज सपोज्ड टू बी हानियास कैरेक्टर दानी. और तो वो जो इजा प्ले कर रही थी वो नहीं उन्होंने किया ड्रामा, वो बैकआउट कर गई. मुझे नहीं पता वो किस वजह से बैकआउट करके गई, शायद मेरी वजह से या क्या, जो उनको था कि नया लड़का या कुछ, आई डोंट नो. उसके बाद दे पुट नेमल इन इजाज रोल. तो वो अच्छा, खैर उस वक्त नेमल ने कहा, मैं उसने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है, हर बंदा मुझे कहता रहा ये कैरेक्टर बहुत हिट होगा क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है. तो मैं बहुत नर्वस था. लेकिन वो जब फिर तो चलिए रिलीज हुआ आपके तो लिए वो फिर अच्छा ही हुआ ना, आपने इतना हाँ मतलब यू नो इट वाज अ बिग हिट। मेरी मम्मा इतने शौक से देखती थी, मेरी सारी खालाएं वगैरह, यू अच्छा, नो यहाँ पर तो फुल टीवी पे यूट्यूब पे हर वक्त गाने चल थैंक रहे होते गॉड. हैं। मैं माय मॉम इज अ बहुत बिग फैन ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा, शी फॉलोज एवरीथिंग। ठीक है, माय थर्ड क्वेश्चन टू यू, हाउ डू यू हैंडल द नेगेटिव कमेंट्स दैट यू गेट ऑन सोशल मीडिया? आई ऑनेस्टली मुझे कभी कभार दिल चाहता है कि मैं बहुत मुंह फाटू, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उधर ही उनको रिप्लाई दे के ना. तो मैं मतलब, बट देन मैं कहता हूँ कि यार आई डोंट नो, स्टूपिंग टू दैट लेवल इज नॉट अ गुड थिंग. तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ पढ़ना. हाँ मैं भी आई अवॉइड जस्ट करती हूँ, अवॉइड, पढ़ती हाँ हूँ मैं जरा अवॉइड लेकिन ना करता मैं हूँ. डिलीट करती हूँ, मैं कहती हूँ लिखने दो, लिखने में क्या जाता है, लिख ले, बुरे वही बात ना, है, कोई बात या नहीं। ठीक है, सिर्फ ये सो होता है माय कभी कभार कि ये जो कुछ लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं आके, मतलब को बदतमीजी वाली बात, को लड़की के साथ बदतमीजी कर लेंगे, उस पे फिर आपको गुस्सा आता है कि यार आप ठीक है, आप आए हो इधर, आप करो जो भी आपको नहीं पसंद आया वो कर लो, लेकिन कोई मतलब डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल ऑन ऑन अ हाँ कॉमेंट. हाँ वो हाँ बहुत यहाँ पर पता नहीं कुछ मुझे तो इस तरह से लगता है कि नेगेटिविटी लोग फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी इतनी हमारे आसपास है कि वो नेगेटिविटी को ना जरा खत्म कर देती है बीच में से। मैं तो पढ़ती नहीं हूँ, बिल्कुल पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार, हंसती हूँ, कहती हूँ कोई बात नहीं, लिखने दो, कोई बात नहीं। अब मैं किस किस के कमेंट्स पढ़ूंगी, क्या किस किस को जवाब दूँ, तो मैंने आज तक कोई लड़ाई एब्सोल्युटली इंस्टाग्राम पे हुई नहीं।
शुरू शुरू में मेरे फ्रेंड्स इस तरह करते थे, कोई बुरा कमेंट करे तो उसके पीछे आके लड़ना शुरू हो जाते थे। हाँ यदि अल्लाह को मानो तुम लोग ना करो, इन लोगों से जीतना बहुत मुश्किल है। सो माय फोर्थ क्वेश्चन, हाँ चौथा सवाल है, सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स? आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो। करियर के मुताबिक, ऐसे नहीं कि आप कहाँ होंगे, क्या मतलब अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आई रियली वांट टू सी माय सेल्फ एज अ डायरेक्टर फॉर फिल्म। हाँ, आई वांट टू डायरेक्ट फिल्म्स, दैट्स समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू। आई एक्चुअली बिफोर, तो एक्टर बनने से पहले मेरा बहुत दिल था, मैं हमेशा से फिल्म मेकर रहा हूँ। मैंने शॉर्ट्स और वो एड्स वगैरह मैंने डायरेक्ट किए, तो मेरा हमेशा से था कि आई वांट टू मेक अ फिल्म। बट फिर मैं एक्टिंग में आ गया, तो आई रियली वांट टू सी माय सेल्फ एज अ डायरेक्टर। इंशाल्लाह वी विल ऑल सी यू इन 5 इयर्स। मैं पता नहीं किधर होंगी, शादी हो गई होगी शायद, लेकिन देखूंगी आपको जरूर। मैं बोलूंगी स्नान आई है, 5 साल हो गए। थैंक यू। ठीक है, सो मेरा आपसे फिफ्थ क्वेश्चन, आफ्टर लॉकडाउन आपका कौन कोई, आपने भी मुझे बताया कुछ सवाल इतने रिपीट होते हैं कि मैं वो कर भी चुकी होती हूँ अपनी वजह से, अपनी मुताबिक। नहीं नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन। सो वो जरा मैं भूल जाती हूँ मैंने कौन सा सवाल कब किया था। आई थिंक हमारी कॉन्वर्सेशन वैसे ही बेहतर जा रही है, सो लेट्स नॉट फॉलो द नंबर क्वेश्चंस का। सो मुझे ये बताएं, एक्टिंग तो एक आप एज अ प्रोफेशन आप उससे करते हैं एक्टिंग को, लाइक आप पहले क्या करते थे? हर एक्टर की एक पुरानी जिंदगी भी होती है। मैं हमेशा से मैं जब से मेरे दादा चाहते थे कि मैं वकील बनूं, मैं नहीं चाहता था मैं वकील बनूं। मेरा पहले आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो मेरा बहुत दिल था कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, लेकिन माय फैमिली थॉट कि एक तो पहली बात हमें ये भी नहीं पता है भी कि नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं क्रिकेट नहीं खेलनी क्योंकि वो करियर नहीं है। तो फिर खैर when it came to the point where I had to take a decision ki ab maine kya karna hai, I picked direction. I at that point I didn't even pick acting, I picked direction. I wanted to become a director. To fir uske baad jab main direction kar raha tha, to couple of my friends who were directing theater, unhone kaha ki we would like you to come aur tum audition karo. To maine audition kiya, to wo theater mein mujhe job mil gayi aur is tarike se maine theater plays kiye wo. तो वो इस तरीके से था, मेरा कभी ये नहीं था, या तो मैं बचपन में क्रिकेटर बनना चाहता, लेकिन बड़े होके फिर मैंने यही आई डिसाइडेड टू। एक मैंने छोटी सी जॉब की थी एक जमाने में, एक बैंक के लिए क्रेडिट कार्ड मार्केटिंग की, जिसमें हम लोगों को 5,000 रुपए मिलते थे, वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन वो 3 महीने की, फिर मैंने छोड़ दी, मैंने कहा मुझसे नहीं होती, मुझसे नहीं होगा। अच्छा मुझे बताएं, लॉकडाउन के बाद सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? लॉकडाउन के बाद सबसे पहली चीज मेरे ख्याल से मैं काम करूंगा, क्योंकि मैं हर चीज में इंजॉय कर चुका हूँ, मैं गेमें खेल चुका हूँ, मैंने टीवी बहुत देख लिया है, खा बहुत लिया है, अब मेरे ख्याल से लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं काम करूंगा। और आई मिस वर्किंग टू, पता है बस अब घर में नहीं बैठा, मतलब हम लोगों की थोड़ी सी, मैं हर किसी से बोलती हूँ यार मेरे लिए घर में बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन आई एम स्टिल सिटिंग एट होम एंजॉयिंग माय लाइफ, बट स्टिल आई मिस वर्किंग। काम करूंगा, I really want to now go back and work. बताया कि आपकी नेमल से, आपने जब उसके साथ प्रोजेक्ट किया था, नेमल शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और आप उसके पहले से फैन थे, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद अ फ्रेंड इन अ प्रोजेक्ट? और मुझे लगता है बड़ा आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपका दोस्त है और आपको उसके साथ ना सीन्स कर रहे हैं। Actually, it was a lot of fun because I got to work with two of my friends in my first drama, Hania and Nimal. Hania is also my friend. Hania and I did our first film together. So, and plus, hum logon ka pehla spell shoot hi Chitral mein hua tha. So, we were in Chitral and we were living in such a nice place, Hindu Kush Heights. It's such a nice hotel. और इतना मजा आता था वहां पे, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हम लोगों का वो जो कमरे थे हिंदू कुश हाइट्स के, उनमें टीवीज नहीं थे, मैं और शहजाद एक कमरा शेयर कर रहे थे, द गर्ल्स वर शेयरिंग अनदर रूम, तो वो हम लोगों के टीवीज नहीं थे, तो और उधर के जो ओनर हैं उनका ये मानना था कि आप अगर चित्राल आए तो आप कमरे में रह के टीवी नहीं देख सकते, आप बाहर निकलें, अगर आपने टीवी देखना है तो आप थोड़ी वो मेहनत करें और टीवी रूम था उधर जाएं, नहीं तो बाहर जाएं और रोम अराउंड सी चित्राल।
तो हम लोग वहां चित्राल बहुत कैसा है? मैं अच्छे, चित्राल नहीं गई, चित्राल कैसा खूबसूरत है? ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्लेस, और खूबसूरती से ज्यादा ये कि उधर के लोग इतने अच्छे हैं, उधर के लोग बहुत अच्छे हैं, तो वो बहुत मजा आया. एंड वी गॉट टू वर्क, मतलब बहुत वी हैड अ लॉट ऑफ फन. अच्छा, तो मैंने मैं हुंजा गई हूँ, और वहाँ के भी लोग इतने प्यारे हैं, इतना प्यार करते हैं आपको, और आपको बड़ा अच्छा लगता है कि कोई आप बिल्कुल एक डिफरेंट जगह पे जा रहे हैं और वहाँ पर आपको एक दूसरा कल्चर देखने के लिए मिल रहा है, और वो लोग आपको देख के बहुत एब्सोल्युटली, खुश होते हैं और बड़ा प्यार करते हैं आप लोगों से, बहुत और और ये बहुत अच्छे शूटिंग्स लोग करना हैं. बाहर जाके, अपने को एक्टर्स के साथ, आई थिंक इट्स लॉट ऑफ फन. मैंने बस एक प्रोजेक्ट इस तरह से शूट किया है, आई वेंट टू मैरी फॉर लाइक फ्यू डेज एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन, बड़ा मजा आता है. अच्छा, मुझे, या मैं इट्स अ लॉट आपसे ऑफ एक और फन. सवाल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हानिया? ओके, हानिया के साथ इट्स अ लॉट ऑफ फन बिकॉज हानिया अगेन लाइक मी एंड हर डिड आवर हानिया फर्स्ट फिल्म बहुत टुगेदर, तो चुलबुली सी लगती है मुझे, वेरी बबली. हाँ. एंड या, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन. एंड वी और हम लोग हमेशा एक दूसरे का मजाक करते रहते हैं, और एक दूसरे की बेइज्जती करना बहुत कॉमन है हम दोनों में, तो वो इट वाज अ लॉट ऑफ फन हम लोगों के साथ. वो मतलब हम लोगों ने बहुत लूडो खेली है ड्यूरिंग आना, और इन सबको मैं हराता था. ये अब अगर कोई पूछेगा तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं हराता था, झूठ बोल रहा है, लेकिन उन सबको वाह. पता है. शहजाद के साथ बहुत मजा आया. आई एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वाज मीटिंग शहजाद ऑन अ सेट, एंड यू क्योंकि हम दोनों की रिसेंटली दो वर्क दिन विद में, मावरा एंड सारा? यस आई वर्क विद सारा, आई डिडंट गेट टू वर्क विद मावरा ड्यूरिंग दिस ड्रामा. ज्यादा मैंने काम नहीं किया मावरा के साथ ड्यूरिंग दिस ड्रामा, सारा के साथ मेरा कैसा ज्यादा एक्सपीरियंस? काम. बिकॉज़ आई फाइंड सारा वेरी पोलाइट, बहुत ज्यादा शी सॉफ्ट इज वेरी स्पोकन, पोलाइट, वो बिल्कुल. बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन है वो. मतलब वो अपने काम से काम रखती हैं, बहुत धीमी आवाज में बात करेंगी, आपको कहना पड़ेगा सारा थोड़ा हाँ, ऊंचा दोबारा बोल रहे हैं, बताएं आवाज क्या नहीं आ रही बोला है था. आपकी. अच्छा, हाँ. तो उनका वो ये है, बट बहुत, शी इज वेरी स्वीट. आप थोड़ा गायब हो गए थे बीच में, मतलब अना के बाद हमने मैंने आपको सबात में देखा, सो उस या बीच में आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मेरा मसला है, मैं बहुत पता नहीं, मैं सोचता बहुत ही कुछ, मैं बहुत सिलेक्टिव थोड़ा सा काम करने का मुझे शौक है. मैं एक तो बड़ी मुश्किलों से ड्रामास में आया हूँ, अब मैं आया हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं कोई ऐसी स्टोरी करूँ या कोई ऐसी स्टोरी इंडोर्स करूँ जिसको, मतलब क्योंकि अब मुझे लगता है कि हमारे ड्रामास ना बहुत बहुत काफी काफी ड्रामास के स्क्रिप्ट्स मैंने पढ़े हैं, मुझे नहीं मजा आया ऑनेस्टली पढ़ के. तो फिर मुझे सबा जो है, आई फेल्ट लाइक इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. और मैंने ऑनेस्टली सबा सिर्फ स्टोरी और डायरेक्टर की वजह से किया, बिकॉज द स्टोरी इज वेरी डिफरेंट एंड द डायरेक्टर इज वाज वेरी गुड, शहजाद भाई, आई नो हाउ ही ट्रीट्स. तो मुझे इस वजह से मैंने सबा किया. दरमियान में कोई ऐसा ड्रामा आया नहीं जो मुझे वो करे, अपील करे थोड़ा सा. तो मैं बहुत वो, मेरा बिल्कुल वो दिमाग नहीं चलता कि मैंने पैसे कमाने हैं, हालांकि मैं कोई बहुत अमीर नहीं हूं, मैं बहुत गरीब इंसान हूं, लेकिन मुझे बस होता है कि कोई प्रोजेक्ट अच्छा हो तो आपका दिल भी होता है काम करने का, आप 200% देते हैं एग्जैक्टली, उसमें. आप अपनी मर्जी से काम करें, ये होना चाहिए कि काम आप कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी का हो, वरना आप बिल्कुल, फोर्सफुली वो काम एब्सोल्युटली, ना करें. ठीक है, तो आई एम गोना बिल्कुल, टेक फ्यू नेम्स, और आपके या माइंड में जो जो बात पहले आएगी आपने वो बतानी है. ठीक है, जल्दी जल्दी. ठीक है. फर्स्ट, हमजा अली अब्बासी. He's a preacher. ओके, हानी आमिर. हानी आमिर, आउट ऑफ कंट्रोल. उस्मान बुजदार, सीएम पंजाब. नीड्स टू बी मोर सीरियस अबाउट दिस सिचुएशन, ज्यादा ताहिर शाह, सीरियस ज्यादा हूँ. सीरियस, एक्स्ट्रा सीरियस. लेजेंड ताहिर लेजेंड, शाह, एक आपने उनका न्यू लेजेंड. सॉन्ग सुना? मैंने अभी तक नहीं सुना ना मैंने देखा. सुना, मैं बहुत दफा सुना, मैंने एक दफा नहीं, मैंने बहुत दफा सुना. अच्छा, आपका गिल्टी प्लेजर? वॉचिंग अ सुपर हीरो फिल्म व्हाइल ईटिंग जंक, लाइक हैविंग लाइक पिज्जाज एंड ब्राउनीज एंड स्टफ. आर यू नॉट मिसिंग पिज्जाज एंड बर्गर्स? मैं तो उस दिन उठ के रोना शुरू हो गई थी नींद में से. मैंने कहा, मम्मा मुझे बहुत ज्यादा याद आ रहा है, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे बर्गर खाना है, मुझे बाहर जाना है. मेरी भांजी रहती है मेरे साथ, तो वो बहुत क्रिएटिव है इस तरह की, तो उसने, शी मेड लाइक बर्गर्स एंड स्टफ,
वो दो तीन दफा बनाए हैं उसने घर पे, तो यार वो घर की आई चीजें मीन अच्छी तो होती हैं, लेकिन एक बाहर बट की वो क्रेविंग बात जो नहीं होती है। है ना, हाँ वो आपकी वो बात नहीं नहीं कर है सकती। बिल्कुल। मैंने भी बहुत अच्छे बर्गर्स, मैंने अपनी अपनी सारी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम गोना ट्राई डोनट्स डन टुमारो, सिट। सो लेट्स सी। आई अच्छा, आई हैव अ रैपिड जस्ट फायर टॉकिंग अबाउट। क्वेश्चन। या आई जी हैव जी अ 2 मिनट्स का सेशन विद यू, लास्ट रैपिड फायर। जी उसके बाद आई एम गोना से बाय टू यू, बिकॉज आई नो कि आपको भी थोड़े से काम हो गए। सो अना इन सबाद, अना नेमल और सारा, फिल्म नीमल और ड्रामा, फिल्म वन पाकिस्तानी मूवी यू वुड लव टू डू। आई वुड हैव लव टू डू लाल कबूतर। लाल कबूतर। हाँ लाल कबूतर। विच पाकिस्तानी मूवी वुड यू हैव रिफ्यूज इन फर्स्ट 5 सेकंड्स? Which Pakistani movie would have? अच्छा नहीं, there are a lot of these movies. I think there was this movie that came out, Earth. Earth. अर्थ। हाँ That was a हाँ really मोहित bad film. मिर्जा, That was a इकोनॉमिक really मिनट्स, bad film. अर्थ हाँ वो राइट। मैंने देखी, वो बहुत पैसा या बुरी थी. प्यार? I think प्यार, because I mean money is okay, but I mean it makes you very greedy. It makes you मुझे लगता है पैसे से ना आपकी द वर्स्ट साइड ऑफ अ ह्यूमन कम्स आउट, तो आई थिंक हाँ, और मैं आपको बताती चलूँ, साथ साथ ही जितनी भी सवाल थे ना, इसमें मेरी एक बंदा हेल्प करता है, और मैं ये देख के हमेशा हैरान हो जाती हूँ, ये पैसा प्यार क्या सोच के लिखते हैं आप? ये खाबर, कौन खाबर है? खावर? अच्छा ये खावर बताती हैं लिखते अभी, हैं? खावर मेरी हेल्प करते हैं। मैं उनको बताती हूँ इस तरह की हमने सवाल करने, ये चीजें हैं, तो हमेशा सवाल होता है पैसा या प्यार, खावर से पूछना पड़ेगा, खावर क्या इसके पीछे थ्योरी है ये पैसा या क्यों? प्यार। थैंक थैंक यू सो मच उस्मान, यू एंड नाल, थैंक यू गुड सो मच लक फॉर फॉर योर हैविंग मी. फ्यूचर। आई होप टू थैंक सी यू, यू यू टेक केयर सून, ऑफ योरसेल्फ. इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह. और हम काम भी प्लीज टेक साथ केयर ऑफ योरसेल्फ. करेंगे। और वी हैव टू, वी हमने हैव एक टू. छोटा सा कमर्शियल एक साथ किया है, जिसमें हम दूर दूर से मिले, या फोटोशूट किया, हाँ बट या आई होप कि अच्छा हम एक साथ एक प्रोजेक्ट करें मजेदार सा, वी एंड वी शुड कैन डेफिनेटली ऑल्सो मेक न्यू मेमोरीज टुगेदर। सो थैंक यू सो मच डेफिनेटली. फॉर कमिंग लाइव विद मी, टेकिंग आउट योर टाइम, एंड थैंक यू, से थैंक हाई यू. टू योर नीज, एंड सलाम टू योर आई मॉम। विल आई मीन से हेलो. हाय आफरीन, आई होप यू एंजॉयड माय कॉन्वर्सेशन। ओके शी कुडन्ट इवन हियर यू बिकॉज़ आई हैव दीज एयरफोन्स ऑन. ओके 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 ओके, बट शी मस्ट बी लिसनिंग ऑल योर आंसर्स ना। थैंक या यू उस्मान, अल्लाह थैंक यू. बाय बाय. हाफिज. हाफिज, बाय बाय बाय। बाय. सो गाइज, इट वॉज माई लाइव सेशन विद उस्मान, एंड इट वेंट अमेजिंग, बहुत मजा आया। पहली बार हम लोग, एक बार हमने फोन पे बात की, थोड़ा सा काम किया साथ में, बट इस तरह लाइव और आमने सामने बैठ के पहली बार मैंने इतनी सारी उनसे बातें की हैं, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो, और थैंक यू सो मच। आप लोग देखते हैं यहाँ इतने प्यार से, काफी लोग मुझे देखते हैं यहाँ पर आके लाइव, हमें सपोर्ट करते हैं, इतने मैसेजेस करते हैं यहाँ पर, एंड आई एम सो सॉरी कि मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकती, बिकॉज मैं भी 30 मिनट्स निकाल के कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे सवाल करूँ, आप लोग को एंटरटेन करने की कोशिश करूँ इस दौरान, इस क्वारंटीन में। और प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें, और मेरे लिए भी दुआ करें, और सबको अपनी अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।